नमस्कार सभी को। तो आज हम थोड़ी दिलचस्प चर्चा करने वाले इस वीडियो में, जो कि AFF का कॉन्स्टिट्यूशन जो आ रहा है उससे रिलेटेड है। तो आपको ही पता है कि AFF को एक अल्टीमेटम दिया गया है बैन को लेकर, कि भैया 31 जुलाई तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाना चाहिए और 15 सितंबर तक आपके इलेक्शन हो जाना चाहिए, वरना आपको बैन कर देंगे। जो कि हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें सही तरीके से हो जाएगी, इतना क्योंकि पर्याप्त समय मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत ही है ना 15 सेकंड का टाइम मिला है कि आपको, नहीं, चार ऑप्शन दिए, जल्दी से बताना है आपको, नहीं तो आप गए बैन लग जाएगा, ऐसा है नहीं। टाइम मिला है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और COA पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो बिल्कुल नेशनल स्पोर्ट्स जो लॉ वगैरह होते हैं, कोड होते हैं, उनके अंतर्गत और जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनकी सहमति से एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लेगी। ठीक है, तो आज हम कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था AFF का, उसमें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में 47 चेंजेस जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इनके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है वो COA लेगी, लेकिन 47 चेंजेस जो है लिस्ट में डाले गए हैं कि इनको बदलना चाहिए नए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हम पूरे 47 तो नहीं, हम केवल दो जो बहुत मेन है ना, जिनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, जो आपसे मुझसे संबंधित है बहुत अच्छे से, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अभी जो मेंबर्स है वो चेंज की मांग कर रहे हैं, वो ये है कि अभी आपको पता है कि AFF में एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक ट्रेजरर होता है और 5 जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। ये अभी तुरंत में है। तो जो मेंबर्स है वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या मांग कर रहा है कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, आपको पता है इतने सारे राज्य है, इतनी पॉपुलेशन है, तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो इसमें इतने से लोगों से काम नहीं हो पा रहा है ना, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ट्रेजरर और 5 ही मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में, इससे काम नहीं चल पाएगा सही ढंग से, ये मानना है मेंबर्स का। तो वो क्या चाह रहे हैं कि जैसे आपने देखा है AFC में क्या है कि पूरे एशिया में उन्होंने जोन बना दिया ना, सेफ CFA है ना, ऐसे मिडिल ईस्ट का अलग जोन है, ईस्ट एशियन अलग जोन है, तो ऐसे उन्होंने जोन बना दिए, उन जोन्स में अलग अलग मेंबर्स बना दिए, उनके प्रेसिडेंट अलग बना दिए, अब उनको उनके उनके जो क्षेत्र है उनमें अपना अपना काम करना है, अब उनको आगे बढ़ाना है, ऐसे पूरे AFC का विकास हो जाएगा। तो सेम जो चीज़ है, यही चीज़ जो है वो मेंबर्स ने करी है कि इंडिया जो देश है इसमें आप जोन बना दो। ठीक है, जैसे अपने नॉर्थ है, साउथ है, फिर वेस्ट है, ईस्ट है, मिडिल भी बन सकता है, मतलब जैसे बनाना चाहे। तो इस तरीके से जो मेंबर्स वो चाह रहे हैं कि ऐसे जोन बना दो और हर जोन का एक एक वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, मतलब हर जोन में और मेंबर्स रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो जोन्स डिवाइडेड रहेंगे तो हर जो मेंबर्स रहेंगे वो अपने अपने जोन में काम करेंगे, अपने अपने जोन को आगे बढ़ाओ, ऐसे पूरे इंडिया का विकास ऊपर, मतलब इंडिया ऊपर उठते जाएगा। तो इस टाइप के कुछ मांग है, तो जो मुझे कुछ हद तक अच्छी लगती है, और आप भी इसके ऊपर बताइएगा आपकी राय कि देखिए जोन बनाने में फायदा क्या है कि नॉर्थ में कुछ स्टेट ले लिए, वेस्ट के कुछ स्टेट ले लिए, साउथ के कुछ ले लिए, और इधर अपने नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ऐसे जोन्स बन जाएंगे हर जोन से। जैसे आपने देखा होगा अपने टूर्नामेंट्स वगैरह, ये जो होता है ना यूथ आई लीग होती है, संतोष ट्रॉफी होती है, ये भी जोन वाइज होती है ना, जोन वाइज क्वालिफायर्स होते हैं, फिर टीम्स निकल के आती है। तो जैसे जोन्स है वैसे वैसे जो है ऐसे बना दो AFF के अंडर, और फिर क्या होगा, वहाँ वहाँ के मेंबर्स अच्छे से काम कर पाएंगे। कुछ वहाँ पे जैसे जोन है, जोन के अंदर कुछ स्टेट सही ढंग से काम नहीं कर रहे, तब AFF हो सकता है कि वहाँ पे नज़र ना दौड़ा पाए, तो जोन के जो मेंबर्स रहेंगे, जो कमेटी रहेगी, वो वहाँ पे नज़र दौड़ा सकती इजीली, क्योंकि उनके जोन का काम रहेगा। तो ऐसे जो रहेगा ना विकास जो है सही दिशा में और सही तरीके से, पर्याप्त समय भी रहेगा लोगों के पास, और एक अच्छा सुझाव हो सकता है। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली चीज़ लेकर आते हैं तो एक अच्छा मतलब कि बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आपकी राय जरूर दीजिएगा, मुझे तो बहुत सही लगा है। तो ये हो गया वो पहला बदलाव जो कि मेंबर्स जो है चाह रहे हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मुझे लगता है कि आपको भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसके ऊपर आप आपकी राय दे दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरा एक बदलाव क्या चाह रहे हैं, अभी क्या होता है कि इलेक्शन में हर कोई नहीं खड़ा हो सकता, आपको पता है इलेक्शन में हर कोई नहीं खड़ा हो सकता, मतलब कि AFF के अभी कौन खड़ा हो सकता है, जो स्टेट एसोसिएशन का कोई मेंबर या हेड जो स्टेट एसोसिएशन का है वो, या फिर जो वहां पे तुरंत में AFF की कमेटी में है ना, उनमें से कोई खड़ा हो सकता है AFF के इलेक्शन के लिए। तो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ मेंबर्स क्या चाह रहे हैं कि AFF के इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, ये करो कि जिसकी इच्छा है वो खड़ा हो जाए, मतलब जिसकी इच्छा से मतलब कि जो उस पद का दावेदार हो सकता है वो खड़ा हो जाए। अभी आपको पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो स्टेट एसोसिएशन में कुछ नहीं है, AFF की कमेटी में कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने अपने लेवल पे काम अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं,
लेकिन उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है फुटबॉल के, मतलब कि ये राजनीति से, फुटबॉल की राजनीति से। तो ऐसे लोग भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकते हैं या खड़े हो जाएं, तो ये चाह कर रहे हैं कुछ मेंबर्स। अब इसी का विरोध भी कर रहे हैं कुछ मेंबर्स जो है ना, कुछ एसोसिएशन जो है स्टेट एसोसिएशन, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं ये तो गलत है, इसमें तो भैया है ना, इसमें तो कोई भी आ सकता है। तो ये भी मुझे बहुत सही लगता है, ये भी लाना चाहिए। अब ये क्यों लाना चाहिए, आपको भी पता है कि जैसा मैंने बोला, कई स्टेट एसोसिएशन में या एएफएफ में कई ऐसे लोग हैं जो नहीं करते डिजर्व कि वो सीट पे बैठे, है ना। तो भैया मुझे तो पर्सनली ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदलता है, ये भी चीज आती है, तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एएफएफ में जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, डिजर्विंग बंदा है, उसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एसोसिएशन का मेंबर है या उसी में राजनीति में इन्वॉल्वमेंट है जिसका, वही बने। और एक और रूल ये आना चाहिए कि सिर्फ राजनीति वाला बंदा ही स्टेट एसोसिएशन में भी ऐसा कुछ बदलाव लाना चाहिए। जैसे एएफएफ का ये तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कर दिया कि प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ जो मेंबर्स एसोसिएशन है या मेंबर्स लोग हैं उनके अलावा कोई भी खड़ा हो जाए, ये एक बदलाव की मांग कर रहे हैं ना। तो स्टेट एसोसिएशन में भी लागू करना चाहिए कि स्टेट एसोसिएशन में भी कोई भी खड़ा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि स्टेट एसोसिएशन में भी कई ऐसे धुर्रे धुर्रे लोग हैं। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो अभी जिन एसोसिएशन का विकास नहीं हो पा रहा ना, जो एसोसिएशन जिसमें एक एमपी को मान के चलते हैं, जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ का बता देता हूँ। अभी एमपी में ऐसी ऐसी चीज़ें जो मुझे ही पता है कि कहाँ पे वर्क करना चाहिए एमपी में, जिससे फुटबॉल बढ़ सकता है, लेकिन पता नहीं एसोसिएशन कहाँ है जो कर ही नहीं रहा काम। तो भैया एसोसिएशन तो मैं भी चला सकता हूँ यहाँ का, मुझे पता है क्या करना है, कहाँ पे एमपी में लैकिंग हो रही है, कि कहाँ पे किन जगहों पर काम करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए कि एमपी का फुटबॉल विकसित हो सकता है, पता है। लेकिन जो है वो तो नहीं कर रहे, तो ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बना दो एमपी का हेड, ठीक है, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा पता है, बहुत अच्छा ज्ञान है कि फुटबॉल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है ना। तो स्टेट एसोसिएशन में भी ये लागू करना चाहिए, और एएफएफ में तो बिल्कुल लागू करना चाहिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको ही पद के लिए उम्मीदवारी का जो भी नामांकन वगैरह भरना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मेंबर्स है वही खड़े होंगे चुनाव के लिए। और एक और चीज है जिसके ऊपर बदलाव बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, वो क्या है कि राजनीति वाले लोग ही क्यों स्टेट एसोसिएशन में या फिर एएफएफ में आते हैं, जो राजनीति में इन्वॉल्वमेंट होता है जिसका, ऐसा क्यों, ये भी गलत है ना। नॉन पॉलिटिकल बंदों को भी मौका दिया जाए, उनको भी बहुत अच्छे से चीजें चलाते आती है। अभी जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो चल रही है उनका पॉलिटिकल लोग चला रहे हैं क्या, वो तो नॉर्मल है ना, जिनने बहुत पढ़ाई अच्छे से करी, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया वो चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बन के बैठे हैं या बड़े बड़े मालिक बन के बैठे हैं। तो क्या फुटबॉल का एसोसिएशन नहीं चला सकते, बिल्कुल चला सकते। तो नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी इसमें है ना भाग लेने का मौका दिया जाए भैया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को ही मौका दिया जाएगा तो ऐसे तो भैया फिर कितने हैं जो पॉलिटिक्स में नहीं है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, बहुत अच्छा कर सकते हैं वो, है ना, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, लेकिन फिर ऐसे में तो धरा का धरा रह जाएगा। और एएफएफ को या इंडियन फुटबॉल को अभी ये कोई पॉलिटिकल लीडर है ना, एएफएफ में पॉलिटिकल लीडर नहीं, जो फुटबॉल लीडर है उसकी जरूरत है, जो फुटबॉल समझता है, फुटबॉल भले खेला हो नहीं खेला उससे मैटर नहीं करता, फुटबॉल की समझ, फुटबॉल का विकास कैसे हो सकता है इसके ऊपर जिसको बहुत अच्छी समझ हो उसको बनना चाहिए। नॉट कि हाँ तुम आप पॉलिटिक्स से हो, आपने बहुत चुनाव जीते, आ जाओ आप यहाँ पे, आप चला लोगे, कैसे चला लोगे भैया, बंदे ने कभी फुटबॉल का मैच नहीं देखा, बंदे ने कभी ये ही नहीं पता उसकी कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं और उसका बना देते हो, ऐसे में तो काम नहीं चलेगा ना भाई। तो जो दो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि एक जो जोनल चीजें है ना, जोन्स बनाने की बात है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, जोन्स बनाए जाए। और दूसरा कि कोई भी बंदा एएफएफ के इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए, मतलब कि जो डिजर्व करता हो ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, ये दोनों चीज लागू होना चाहिए, भले वो जो 47 जो चेंजेस आने वाले हैं वो हो ना हो, लेकिन ये दो तो बहुत जरूरी है, और वो भी जरूरी होंगे तभी ऐसे हो रहे होंगे चेंजेस। तो ये दो जो थे ये मेन थे, इसलिए मैंने इनके ऊपर बात करी। तो आपकी राय बताइएगा, आप इन दोनों को किस नजरिए से देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देखिए इसी की बदौलत इलेक्शन होंगे, इसी की बदौलत फिर आगे गाड़ी चलेगी ना, जो भी लीडर बनेगा फिर वो इसी की बदौलत पूरी जो काम है एएफएफ का वो ऐसे ही करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अनुसार, ऐसा नहीं कि फिर मन से कुछ करेगा। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो बन गया, अब वो नहीं चेंज होने का, है ना। तो आपकी राय जरूर दीजिएगा कि आप इन दोनों जो ये दो पॉइंट्स मैंने बताए इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपकी अगर कुछ अलग से विचार हो उसके ऊपर वो भी आप जरूर बताइएगा। आप मुझसे सहमत हो वो भी आप बताइए, मुझसे असहमत हो वो भी आप बताइए कि आप किस तरीके से सोचते हैं इस बारे में, ठीक है।
क्योंकि आपकी राय मुझे पता है आपकी राय बहुत ही अच्छी अच्छी होती है और बहुत ही यूनिक भी होती है, जिससे कि बहुत कुछ पता चलता है कि एक्चुअली में हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस क्या सोच रहे हैं हमारे फुटबॉल को बढ़ाने के लिए। तो आप आपकी राय जरूर दीजिएगा और जो भी आप कहना चाहें बिल्कुल दिल खोल के कहिएगा, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बिंदास एकदम, ठीक। और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए और बैन नहीं होगा यही आप पॉजिटिव हमेशा सोचना। अभी भी कुछ लोग जो बैन 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 चला आ रहा है, भाई बहुत टाइम है, आराम से कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, इलेक्शन हो सकता है, टाइम अपने पास बिंदास है, कोई है ना, चिल मारो। तो इस बारे में आप ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना आपको, ठीक है, और भारतीय फुटबॉल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।